मध्य प्रदेश के धार जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले दो दिनों में जो कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं उसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। इन आंकड़ों को देखकर धार जिला कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने भी पूरे शहर में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। धार जिला में कोरोना से पहली मौत कुक्षी के 22 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी। धार जिले में अब तक कोरोना के 36 मरीज हो चुके हैं। वहीं धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट ने धार वासियों को आश्वस्त किया है कि शहर में कोरोना पॉजिटिव बढ़ने के बाद भी प्रशासन नवीन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने के सख्त निर्देश दिए हैं, वरना कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 9 अप्रैल को मनावर के गांव कलवानी में 7 संदिग्ध लोग मिले थे जिन्हें धार भेजा गया था, लेकिन उन्हें 10 अप्रैल को वापस गांव छोड़ दिया गया। जब 12 अप्रैल को उन 7 संदिग्धों की हालत खराब हुई तो उन्हें वापस धार में शिफ्ट किया गया। 7 लोगों में से 3 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव तथा चौथे 9 की जो कि 9 वर्षीय बालक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उनमें से 3 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इससे गांव कलवानी और मनावर की चिंता तो बढ़ गई थी, साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही भी उजागर कर दी है, क्योंकि जब ये 7 मरीज संदिग्ध थे तो इन्हें 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक गांव में वापस क्यों छोड़ा गया, भगवान ही जाने। इन 7 लोगों ने गांव में कितने लोगों को संक्रमित किया होगा। मध्य प्रदेश स्टेट हेड अमर वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.